पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और फॉक्स डीमन एक गुफा के पास आकर छुप गए थे, लेकिन वहां पर पिंगर आने के बाद उन दोनों को देख लेती है। उसने वहां पर कुछ गलत ही सोच लिया था कि फॉक्स डीमन और शियाफान यहां पर कुछ और कर रहे हैं। साथ ही उसने वहां पर फैंक्शन वैली वालों को भी बुला लिया होता है, जो वहां पर आने के बाद शियाफान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियाफान बड़ी आसानी के साथ उन सभी को वहां से मार गिराता है। दूसरी तरफ जुकी के पास भी उसके सेट के मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे फैंक्शन वैली के अंदर जाना है, क्योंकि वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसे ही देखने के लिए सुकी को वहां पर भेजा गया होता है, जिसके बाद यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फॉर्चून टेलर कई सारे लोगों को जमा करने के बाद उन्हें कहानियां सुना रहा होता है कि आप लोगों को पता है, कुछ टाइम पहले मैंने एक फायर ड्रैगन को देखा था। वो इतनी जोरदार तरीके से जमीन से बाहर निकला कि वहां पर अर्थक्वेक ही आ गया। सारे लोग बड़े चाव से उसकी कहानियां सुन रहे थे। सभी को लग रहा था कि फॉर्चून टेलर यहां पर सच ही बता रहा होगा। वो वहां पर उन लोगों को उस बारे में बता रहा होता है कि फैंक्शन वैली कितनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। इस चीज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कह रहे होते हैं, फॉर्चून टेलर हमें बताइए ना, जब यहां पर फैंक्शन वैली इतनी ज्यादा बर्बाद हो रही है तो हमें यहां पर से जाना चाहिए या फिर हमें यहीं पर रुकना चाहिए? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि फैंक्शन वैली के बर्बाद होने से इसका नॉर्मल लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन फॉर्चून टेलर तो अपने ही मगन में था। वो कह रहा होता है, आप लोगों को नहीं पता क्या, पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी परेशानी आती है, तो वो ऐसे छोड़कर थोड़ी ना भाग जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को भी यहीं पर रुकना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे करते हुए ठीक हो जाएगा या फिर हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ फैंक्शन वैली पूरी तरह से अलर्ट मोड पर होती है। उन्होंने चारों तरफ बिल्कुल पहरेदारी लगा दी थी। किसी बंदे के ऊपर भी शक होगा कि हो सकता है ये शियाफान या फिर पिंगर के साथ मिला हो, तो उसे भी पकड़कर बहुत मारा जाएगा ताकि शियाफान और पिंगर की जानकारी हासिल हो सके। चारों तरफ बिल्कुल कड़ा पहरा लग चुका था। चैन और बाकी लोग तो रास्ते में आने वाले जो भी लोग दिखाई देते हैं उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जिस पर भी उन्हें हल्का सा भी शक होता वो उन सभी की लाशें छा रहा होता है, चाहे वो उसमें उस बंदे की कोई गलती हो या ना हो, वो ये नहीं देख रहा था, बस अंधाधुन लोगों को मारे जा रहा होता है। फैंक्शन वैली वालों की ऐसी हरकत की वजह से तो आसपास के जो सेक्ट थे वो लोग भी काफी ज्यादा डर चुके थे कि फैंक्शन वैली को क्या हो गया। वो लोग वहां पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो फैंक्शन वैली के खिलाफ कुछ आवाज उठा सके, इसलिए उन्हें अपना मुंह बंद करना पड़ता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक के शियाफान और पिंगर का उन्हें कोई पता नहीं चला था। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं, जो जंगल में बने एक छोटे से घर के अंदर छुपा हुआ था। वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर बियाओ की बॉडी कब तक की सलामत रहेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी बॉडी पे कुछ असर आए, उस असर को आने से पहले उसे मुझे वापस से जिंदा करना पड़ेगा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साथ ही उसे फॉक्स डीमन की बातें भी याद आ रही थी कि जब भी इविल पावर मुझ पर हावी होती है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चलकर खुद को ही कुछ नुकसान पहुंचा लूं अपने इविल पावर की वजह से। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है कि मैं यहां पर क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जूकी फैंक्शन वैली के अंदर आ जाती है। वहां आने के बाद फैंक्शन वैली का जो सीनियर होता है उसे ग्रीट करने के लिए आता है। वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसे मुसीबत के टाइम पे आप हमारे यहाँ पर मदद करने के लिए आए, हम आपके और आपके सेट के आभारी रहेंगे। वो उसे एक कमरा भी दिखाता है जहाँ पर कुछ देर के लिए जूकी आराम कर सकती है। उसके बाद उसे सारे फैंक्शन वैली वालों के साथ मिलकर शियाफान और पिंगर को ढूंढना पड़ेगा। सीनियर कह रहा होता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस कमरे में रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप बेफिक्र यहाँ पर रह सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये वही कमरा था जिसके अंदर शियाफान फॉक्स डीमन के साथ छुपा हुआ था। जूकी जैसे दरवाजा खोलती है एक अजीब सा ऑरा चारों तरफ फैल जाता है, जिसे देखकर शियाफान भी हैरान रह चुका था कि अचानक से यहाँ पर कौन आ रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर जूकी नहीं बल्कि फॉक्स डीमन होती है। फॉक्स डीमन यहाँ पर शियाफान को देख रही थी। उससे पता चलता है कि शियाफान ने तो अपना पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर लिया है। वो अपने बिना शर्ट के वहां पर खड़ा होता है, जिस वजह से उसके सिक्स पैक्स बाहर दिखाई दे रहे थे। साथ ही जितनी भी इविल पावर्स ने यूज की थी उस वजह से उसके निशान उसके बॉडी पे छप चुके थे। शियाफान बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था, उसने अपने पूरे बाल खोल लिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी इविल पावर को छोड़ रहा है और अब वो नॉर्मल पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा। फॉक्स डीमन कहती है, लगता है मैं यहाँ पर गलत टाइम पे आ गई, तुम यहाँ पर अपना टाइम ले सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम जूकी को देखते हैं, जिसका कमरा असल में दूसरा ही था, लेकिन हमें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी कि जूकी सीधा शियाफान के ही कमरे में घुस चुकी है। जूकी वहां पर इस चीज को भी सोच रही होती है कि उसके सेट के एल्डर ने उसे ये भी काम दिया है कि उसे फैंक्शन वैली की अच्छे से जानकारी भी निकालनी है कि असल में ये लोग क्या कर रहे हैं और इनका सीक्रेट प्लान क्या है, क्या वो आगे चलकर भी ह्यूमन का ही साथ देंगे या फिर ये अपना पाथ चेंज करने वाले हैं। ये सारा काम जूकी का था जो उसे यहाँ पर रहते हुए संभालना है। सीनियर वहां पर सारी बात बता रहा होता है कि असल में यहाँ पर क्या क्या हुआ और कितनी परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन जूकी कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं थक चुकी हूँ इसलिए मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कमरे के अंदर
अंदर आने के बाद वो शांति से बैठ जाती है, और शांति से बैठने के बाद वो थोड़ा थोड़ा शियाफान के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो अभी कहां पर होगा। जिसके बाद वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं जो फॉक्स डीमन को तैयार कर रही थी। उसके भी थोड़े बाल वाल सवार दिए जाते हैं और उसे भी अच्छा कपड़ा पहना दिया गया होता है, जिस वजह से तो फॉक्स डीमन पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। साथ ही शियाफान का भी लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था। फॉक्स डीमन स्टाइल मारते हुए शियाफान के पास आती है और उसे डांस करते हुए अपना कपड़ा दिखा रही होती है। वो उससे कहती है, देखो मेरा कपड़ा कितना ज्यादा सुंदर है, साथ ही आसपास का नजारा भी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन तुम इतना ज्यादा अपना मुंह लटका कर क्यों खड़े हो यहाँ पर, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खुश रहो। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल है, बाहर भी लोग जो होते हैं वो लोग कैंप फायर जलाकर वहां पर डांस वगैरह कर रहे थे, इसलिए फॉक्स डीमन भी वहां पर चली जाती है ताकि उनके साथ वो डांस कर सके। जितने साल भी वो कैद में थी, कैद से बाहर निकल के आने के बाद वो सारे के सारे मजे ले रही होती है। साथ ही उसका डांस भी बहुत ही ज्यादा सुंदर था और उसका कपड़ा भी उस पर सूट कर रहा होता है। कुछ लोग गाना बजा रहे थे तो कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं ताकि सभी मिलकर यहाँ पर नाच गा सके। वहां पर शियाफान भी फॉक्स डीमन का नाच देखने के लिए आया होता है। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे, सभी तो वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। जिसके बाद अगले दिन शियाफान फॉक्स डीमन को पूरा शहर घुमाने के लिए लेके चले जाता है। वो उसे अलग अलग जगह घुमा रहा होता है क्योंकि इतने साल कैद से बाहर निकलने के बाद फॉक्स डीमन को घूमने का मन कर रहा था, इसलिए वो दोनों काफी सारी अलग अलग जगह घूमने के लिए निकल जाते हैं। फॉक्स डीमन जहाँ जहाँ रह रही थी वहाँ वहाँ वो डांस ही कर रही होती है ताकि शियाफान का जितना भी चेहरा उतरा हुआ है वो उसे खुश कर सके। लेकिन शियाफान तो जरा सा भी खुश नहीं हो रहा था, बस वो आगे बढ़ते जा रहा होता है और उसके आगे ही आगे फॉक्स डीमन डांस करते हुए चल रही थी। शियाफान का बंदर तो फॉक्स डीमन के पीछे लट्टू हो चुका था, वो तो कुत्ते कुत्ते उसी का पीछा कर रहा होता है। काफी देर तक घूमने के बाद जब दोनों वहां पर थक जाते हैं तो रात को शियाफान फॉक्स डीमन को नाव की सवारी करने ले जाता है। बिल्कुल मूवी वाला सीन लग रहा था जहां पर हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही बिल्कुल यहां पर सीन चल रहा होता है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था और ये दोनों आराम से घूम रहे थे, सारी जिसकी परवाह किए बगैर की पूरी की पूरी फंक्शन वैली उन दोनों को ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल सी हो चुकी है। फॉक्स डीमन शियाफान से कह रही होती है, शियाफान तुम्हें पता है इस जगह मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मेरी फॉक्स फैमिली की जो शुरुआत हुई थी ना वो यहीं से हुई थी, हमारे एंसेस्टर यहीं पर रहा करते थे, लेकिन जब यहाँ पर तबाही आई तो उसके बाद मैं अपनी पूरी की पूरी फॉक्स फैमिली को लेकर यहाँ से निकल गई और हमने ह्यूकी माउंटेन पे पनाह ले ली। उसके बाद हम वहीं पे रहने लग गए थे। और ह्यूकी माउंटेन तुम्हें पता है कहाँ पर है, जहाँ पर तुम्हारा घोस्ट किंग जो है ना उसका सेक्ट जो है वहीं पर ह्यूकी माउंटेन भी आता है। जो सुनकर शियाफान कह रहा होता है, इसका मतलब कि तुम हमारे ही घोस्ट सेक्ट के आसपास ही, लेकिन इसके बारे में मुझे पहले कुछ खास पता नहीं चला। दूसरी तरफ पिंगर जंगल के अंदर मौजूद होती है, वहां पर कुछ फंक्शन वैली के लोग भी आ चुके थे, लेकिन उसे उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को मार रही होती है। कुछ कुछ लोगों को वो हिप्नोटाइज करने के बाद उनके अंदर से सीक्रेट जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी कि असल में फंक्शन वैली वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं, ताकि उसकी मदद से वो अपने आगे के प्लान बना सके कि वो कहां पर जाएगी तो सेफ रहेगी। लेकिन तभी फंक्शन वैली का जो एक बंदा होता है वो पिंगर के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था, और बाहर निकलने के बाद वो एक सेकंड के अंदर ही अपने बर्ड को हवा में उड़ा देता है ताकि आसपास जो फंक्शन वैली वाले लोग हैं उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है। उस परिंदे की आवाज जो फंक्शन वैली का सीनियर होता है वो सुन लेता है, इसलिए वो भागते हुए उसी तरफ जाना शुरू कर देता है जहाँ पर अभी पिंगर मौजूद थी। इसी हलचल को सुनकर ज़ूकी भी कमरे से बाहर निकल कर आ चुकी थी, वो भी वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। पिंगर कह रही थी, बड़ी फास्ट ये लोग यहाँ पर आ गए, इन्होंने तो मुझे यहाँ से भागने तक का टाइम नहीं दिया, लेकिन ये लोग मेरी स्पीड कभी नहीं पा पाएंगे। जैसे फंक्शन वैली वाले लोग वहां पर आते हैं उससे पहले ही पिंगर वहां से भाग निकली थी। फंक्शन वैली का सीनियर जैसे ही वहां पर आता है, वहां मौजूद डिसाइपल उसे बता रहे होते हैं कि जैसे आप आए ना उससे कुछ सेकंड पहले ही पिंगर यहां से भाग चुकी है, अगर हमने कुछ और जल्दी कर ली होती तो वो हमारे हाथ में होती, वो ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी, अगर हम यहां पर वापस से पीछा करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम उसे वापस पकड़ लेंगे। लेकिन उस सीनियर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उससे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि पिंगर आसपास ही मौजूद है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविजिबल बनाए हुए है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और इतने जोर से जमीन पे मारता है कि पिंगर के जितने भी मैजिक होता है वो सब खत्म हो चुका था, इसलिए वो वहां पर विजिबल हो जाती है। वो वहीं पे खड़ी थी और उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविजिबल बना लिया था। सीनियर पिंगर से कह रहा होता है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और उस डिसाइबल के बारे में भी बताओ जिसका तुमने भेस बदला था हमारे सेक पे रहने के लिए। पिंगर कहती है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ लग रही हूँ, हिम्मत है तो आओ और मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिसके बाद अब देखते ही देखते सीनियर और पिंगर के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। फंक्शन वैली के बाकी एल्डर और डिसाइपल वगैरह जो होते हैं वो लोग भी वहां पर आ चुके थे, जो सभी मिलकर पिंगर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेली पिंगर सभी का मुकाबला कर रही थी, कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वो
अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सभी को उठा उठा कर फेंके जा रही होती है। वो लोग कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, उनका एक भी अटैक पिंगर को टच तक नहीं कर पा रहा था। इतनी पावर होती है पिंगर के पास, क्योंकि वैसे भी वो एक डीमन है। डीमन के पास तो इंसानों से ज्यादा ही पावर होती है। वो वहां पर अपने पॉइजन गैस को फैला देती है, जिस वजह से इतना ज्यादा धुआं फैल चुका था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर क्या हुआ। उस धुएं का इस्तेमाल करते हुए उसने सभी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि वो सीनियर का ही एक और डुप्लीकेट बना लेती है जिसके अंदर वो खुद को डाल लेती है। और अब सीनियर के साथ एक और सीनियर वहां पर फाइट करते जा रहा था, लेकिन बाकी डिसेबल को पता चल चुका होता है कि कौन असली है और कौन नकली है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नकली वाले सीनियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तब हमें पता चलता है कि पिंगर जिसने सीनियर का रूप बदला था वो तो कब का बाहर निकल चुकी है, और जिसके ऊपर सारे लोग अटैक कर रहे हैं वो तो असली सीनियर था, जिस वजह से असली सीनियर पूरी तरह से वहां पर घिर चुका होता है। उसके ऊपर काफी सारे अटैक लग रहे थे। पर तब सीनियर को बचाने के लिए वहां पर जूकी की एंट्री होती है। वो अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वो सीनियर की जान बचा सके। इसी वजह से तो पिंगर का भी सारा अटैक वहां पर खत्म हो जाता है, जिससे उसे भी तकलीफ हो रही थी। जूकी को देखकर पिंगर कह रही होती है, ये मुसीबत यहां पर फिर से कैसे आ गई। जूकी अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगर के पीछे पड़ चुकी थी। वो वहां पर अपने फॉर्मेशन को बनाते हुए उसके अंदर से स्वॉर्ड निकाल कर पिंगर के ऊपर अटैक कर रही होती है। पिंगर यहां पर जूकी के सामने कमजोर थी, क्योंकि जूकी उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बार बार बच रही होती है। और बचते हुए जूकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि सामने से वो अटैक करेगी तो वो हार ही जाएगी। लेकिन जूकी भी कम नहीं थी, वो बार बार सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए पिंगर के ऊपर अटैक करके उसकी हालत खराब कर रही होती है। दोनों यहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ भिड़ चुके थे। पिंगर ने अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जूकी का ध्यान भटकाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। इतने सारे पिंगर का अटैक खाने के बाद भी जूकी को कुछ नहीं हुआ था। वो पहले से ही ज्यादा गुस्से में थी और अपना सारा का सारा गुस्सा वो यहाँ पर पिंगर के ऊपर उतार रही होती है। दोनों की फाइट बिल्कुल जबरदस्त चल रही थी, और इस फाइट में पिंगर कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, जूकी उसके सामने ज्यादा ही पावरफुल दिखाई दे रही थी। कोई भी वहां पर हार मारने को तैयार ही नहीं था। एक दूसरे के ऊपर वो अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं, और ये अटैक भी नॉर्मल नहीं था, काफी खतरनाक से खतरनाक अटैक हो रहा होता है एक दूसरे के ऊपर। दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। जूकी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगर का जितना भी खतरनाक से खतरनाक अटैक होता है उन सभी को जमाते जा रही थी। इस वजह से पिंगर का एक भी अटैक जूकी को वहां पर टच तक नहीं कर पाता। इनकी लड़ाई से चारों तरफ बिल्कुल धुआं धुआं फैल चुका था, इसलिए धुएं को देखकर सीनियर और बाकी सारे डिसाइपल भी उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो जूकी की मदद कर सके। इस चीज को देखकर पिंगर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जूकी अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके गले से आर पार गुजार देती है। एक इंच का फासला रह गया था, वरना तो पिंगर यहीं पर मारी गई होती है, लेकिन तब भी वो खाई से नीचे कूद जाती है ताकि कूदने के बाद वो सभी से अपनी जान बचा सके। और होता भी ऐसा ही है, वो वहां से बचकर भाग निकली थी। दूसरी तरफ शियाओफान और फॉक्स डेमन तो अब भी बड़े आराम से घूम रहे होते हैं। फॉक्स डेमन उसे हर तरफ घुमाए जा रही थी और अपने बारे में बता रही होती कि ये जगह क्या है और किस तरह से मैंने अपना बचपन यहाँ पर गुजारा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।